Gurudev, contentment is necessary. Growth is also necessary. If you are content, you will not grow. If you grow, you have a struggle. And you will not be peaceful because you have a struggle. I mean, you're achieving towards your goal. So how do we understand what is right? Contentment or growth, ये दोनों अपोज नहीं है. कंटेंटमेंट से ग्रोथ को एनर्जी मिलती है. यदि कंटेंटमेंट गोल के साथ जुड़ा हुआ है तो, इसलिए मैं पहले डे वन से आपसे कह रहा हूँ कि गोल चाहिए. और गोल सामने होगा तो कंटेंटमेंट जो है आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा. जैसे किसी व्यक्ति का गोल है सीए बनना है और उसमें ट्वेल्थ एग्जाम में 90% या 95% मार्क लिए हैं, उसको सेटिस्फेक्शन होगा लेकिन ग्रोथ भी होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ. और उसके पास गोल नहीं होगा तो 95 में रुक जाएगा. तो सेटिस्फेक्शन ये आपको एनर्जी देता है, समाधान ही आपको शक्ति देता आगे बढ़ने के लिए. आपको यदि समाधान नहीं हुआ तो इनर पीस फील नहीं करोगे, और इनर पीस फील नहीं करोगे तो आगे बढ़ने के लिए शक्ति नहीं आएगी. आप जहाँ स्ट्रगल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, स्ट्रगल और एफर्ट्स इज डिफरेंट. स्ट्रगल आप जब कब करते हैं, जिसको संघर्ष कहते हैं, तो अलग बात है. एक माँ बच्चे को जन्म देने के लिए स्ट्रगल करती है या एफर्ट्स लगाती है, तो उस पर से तय होगा ना वो स्ट्रगल कब होगा. सरोगेटेड मदर होगी तो स्ट्रगल होगा, और सरोगेटेड नहीं होगी तो एफर्ट्स लगेंगे. पेरेंट्स अपने बच्चे के डेवलप करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं. तो स्ट्रगल और एफर्ट्स में थोड़ा सा अंतर है. एक्शन वही है, मूव वही है, प्रोसेस वही है, इमोशन क्या है, रिलेशन क्या है, वही स्ट्रगल हो जाएगा, वही एफर्ट्स हो जाएंगे. यदि गोल सामने सेटिस्फेक्शन है तो ग्रोथ होगी, और बिना ग्रोथ, बिना एफर्ट्स के ग्रोथ कैसे होगी. एक नेचर का एक एग्जाम्पल जाता है. समुद्र के किनारे जो पेड़ होते हैं, और वो पेड़ आप बिल्कुल जमीन पर लगा लो, उनकी जड़ें मजबूत नहीं होगी. समुद्र के किनारे जो पेड़ है उसकी जड़ें मजबूत हो जाएगी. कारण, वो कंटिन्यू तूफान को झेलता हुआ पनपता है. तो तूफान को झेलता हुआ पनपता है, जड़ें मजबूत होती है. बिना तूफान झीले किसी की ग्रोथ होगी तो जड़ें मजबूत नहीं होगी. इसलिए ऐसी ग्रोथ को इकोनॉमिक्स में स्वेलिंग कहते हैं, कि जो दिखती है कि बढ़ोतरी हो गई लेकिन वो बढ़ोतरी नहीं होती है, वो डेवलपमेंट नहीं होता, वो सूजन होती है. स्वेलिंग लगता है कि हाँ सुधर गया आदमी. तो स्वेलिंग में बॉडी सुधरी हुई देखती है लेकिन बॉडी सुधरी हुई नहीं है, बीमारी है. तो ये वहाँ देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ क्या कर रहे हैं. तो ये एफर्ट्स अलग बात है, स्ट्रगल्स आप बिना इच्छा के करते हैं, आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसको आप स्ट्रगल करते हैं. लेकिन एक लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया, एफर्ट्स लगाए. साइंटिस्ट एफर्ट्स लगाता है, और उसके हाथ के नीचे जो कर्मचारी काम करता है वो स्ट्रगल करता है. मालिक एफर्ट्स लगाता है, और जो सर्वेंट रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं. तो स्ट्रगल और एफर्ट्स में वहां से अंतर आता है.